शहर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। बीती रात को पुलिस को गौ कशी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस अकबरपुर जोझा रोड स्थित आम के बाग के पास पहुंची, जहां गौ तस्कर चोरी के गोवंशों की गौकशी कर रहे थे। उसी दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा की जवाबी कार्यवाही करते हुए एक बदमाश मुन्नन को घायल कर दिया और अन्य बदमाश को अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुन्नन शातिर किस्म का गौ तस्कर है, जिसके द्वारा बुलंदशहर एवं आसपास के क्षेत्रों से गौवंशों को चोरी कर आर्थिक लाभ के लिए गौकशी की घटना को अंजाम दिया जाता है। मुन्नन ने काफी गौकशियों एवं अन्य घटनाएं करने की बात स्वीकार की है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में पशु काटने के औजार एवं अवैध असलाह कारतूस बरामद किए गए हैं। मुन्नन के विरुद्ध धारा गुलावठी पर गौकशी के अपराधों में 24 मुकदमे दर्ज है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हरस की भी कार्यवाही हो चुकी है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, बीती रात जनपद बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में अपराधियों के साथ पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुख्यात गौ तस्कर मुन्नन सन ऑफ नोरेलाही, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, थाने का हिस्ट्री शीटर है। 25 से अधिक इसके ऊपर गोवंश तस्करी और कटान के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। इनसे भी पहले लग चुका है। जनपद का टॉप 10 अपराधी है। इसके साथ और इसके साथियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मुन्नन को गोली लगी है और वो घायल अवस्था में अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य 3 साथी भागने में मौके से अंधेरे का लाभ लेके सफल रहे हैं। साथ ही मौके पर जीवित गोवंश बरामद हुए हैं और उन्हें काटने के अवैध उपकरण तमाम मिले हैं। नाजायज असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.